श्रीनगर में दो लड़कियों को अगवा कर गैंग रेप मामले में 6 दबोचे गए। गिरफ्तार लोगों में 4 गोरखपुर, 1 देवरिया, 1 कुशीनगर का फायरिंग कर फैलाई दहशत, 2 लग्जरी गाड़ी से आए थे मनबट। कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र के गोबरही चौराहे पर रविवार आधी रात में 2 लग्जरी कार से पहुंचे आधा दर्जन मनबरों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई और आर्केस्ट्रा की नतरकियों का अपहरण कर उसके साथ गैंग रेप किया। मकान मालिक की सूचना पर पुलिस ने पूरे जिले में चेकिंग शुरू कराई और सोमवार की भोर में दोनों लग्जरी गाड़ियां पकड़ ली गई। नतरकियों को बरामद कर लिया गया। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नतरकियों के बयान के आधार आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, हत्या के प्रयास और अपहरण आदि की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार रात करीब 12:30 बजे 2 लग्जरी गाड़ियों से 6 मनबर असलहे से लैस होकर गोबरही चौराहे पहुंचे। वहां किराए पर रहने वाली 2 नतरकियों के घर जाकर उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाने लगे। विरोध पर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। दोनों को गाड़ी में डालकर कप्तानगंज के सोनी निवासी अजीत सिंह के मकान में ले गए। वहां नतरकियों के साथ दुष्कर्म किया और महज 2 घंटे में पुलिस द्वारा धरे गए। SP संतोष कुमार मिश्र ने सोमवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में वारदात का खुलासा करते हुए और क्या कुछ बताया, आप भी सुने। जनपद कुशीनगर में थाना रामकोला में 8/9 की रात्रि में करीब 12:30-1 बजे PRV से सूचना प्राप्त हुई कि 2 ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाले 2 युवतियों को कुछ लोगों के द्वारा उनके घर पर आकर फायरिंग कर उठा के लेके गए हैं। इस सूचना पर रात्रि में ही संज्ञान लेते हुए तत्काल हमारे दोनों एडिशनल SP के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और पूरे जनपद में चेकिंग किया गया और 2 घंटे के अंदर इन युवतियों को सकुशल बरामद कर लिया गया। इस प्रकरण में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से असला है जो है वो बरामद हुआ है, इनके पास से कुछ नेपाली मुद्रा वो भी बरामद हुई है, कुल 63,000 भारतीय मुद्रा बरामद हुई है। इनके पास से एक रिपीटर गन, एक पिस्टल 32 बोर, एक अन्य पिस्टल 32 बोर वो भी बरामद हुआ है और साथ ही साथ इनके पास से फॉर्चुनर गाड़ियां वो भी बरामद की गई है और सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है।